हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खिलते होंगे, खिलखिलाते होंगे। आज हम हिंदी क्लास के, दसवीं क्लास के हिंदी चैप्टर की बात करें तो आज इसका आगाज करते हैं। आपको पता है दसवीं क्लास की अगर हिंदी की बात करो तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, 100 नंबर में तो आता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो आज हम 2024 की जो पैटर्न है दसवीं क्लास हिंदी सिलेबस 2025 के पैटर्न बात करने वाले हैं। इस पैटर्न पर आपको क्या करनी चाहिए इससे पहले एक बार देखो। 3 गो पुस्तक पढ़ना, 2 गो पुस्तक और 1 गो व्याकरण। इसके बाद क्या पढ़ोगे, गोधोली में कितना चैप्टर होता है, वर्णिका में कितना चैप्टर होता है, इसके अलावा देखोगे व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक होता है। इस वीडियो में ये भी आप देखोगे कौन कौन से यहाँ अपठित गद्यांश में कितने नंबर का आता है, निबंध कितना नंबर का आता है, पत्र कितना नंबर का आता है, संवाद कितना, लघु प्रश्न दीर्घ प्रश्न कितना नंबर का आता है। उसके बाद से आप देखोगे ऑब्जेक्टिव कितना, कौन से पुस्तक से कितना नंबर आता है, सब्जेक्टिव किस पुस्तक में से कितना नंबर आता है, व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक होता है, इतना बात आप जानोगे। ये सभी वीडियो देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा, सिलेबस का एक विचारधारा तय हो जाएगा कि इस हिंदी विषय में कितना आपको पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। हम मानते हैं बाबू कि कोई भी अगर जंग जीता जा सकता है तो सबसे पहले है कि उस जंग की रणनीति बनाओ। जब तक आप रणनीति नहीं बनाओगे, स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे, तब तक उस जंग को आप नहीं जीत सकते हो। तो किसी भी युद्ध को जीतने के लिए आपको रणनीति पता होनी चाहिए, उस रणनीति के भरोसे आप जीत सकते हो। चाहे सिकंदर हो, चाहे कोई भी महान से महान व्यक्ति हो, रणनीति के अनुसार ही जीता जा सकता है। कहते हैं ना कि ताश के पत्तों से महल नहीं बनाया जा सकता, ताश के पत्तों से महल नहीं बनाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार नदी के पानी को रोक कर आप समुन्दर नहीं बना सकते हैं। आज यदि जम के मेहनत कर लेते हो, आज जितना मन के उतना आगाज करके नंबर पाना है तो जम के मेहनत कर लो, क्योंकि कोई एक युद्ध से कोई सिकंदर नहीं बन पाता है। तो ये जो सिकंदर यदि आप बनना चाहते हो तो कहीं ना कहीं रणनीति का फॉलो करोगे। रणनीति मतलब स्ट्रेटजी इंग्लिश में बोलते हैं। इस रणनीति को आप देखो, पैटर्न 2025 के न्यू सिलेबस। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, 2025 के सिलेबस में पिछले कई सालों से पैटर्न चल रहा है। गोधूली में आप गोधूली पढ़ोगे, वर्णिका भी पढ़ोगे, व्याकरण पढ़ोगे, तब जाकर तीनों पोर्शन मिलाओगे, तब जाकर आपके सेपरेट 100 नंबर के होगा। दूसरा बात कि यदि आप गोधूली पढ़ोगे तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ोगे, देखो पहला चैप्टर लिखा है, इसमें 2 गो खंड है, गोधूली अर्थात गोधूली भाग 2 में। भाग 2 का मतलब दसवीं क्लास के भाग 2 गोधूली कहलाता है, 9th क्लास के गोधूली भाग 1 कहलाता है, ठीक ना। तो गद्य खंड एक होता है पदखंड, पदखंड को काव्यखंड के नाम से जानते हैं। तो गद्यखंड में भीमराव अंबेडकर से लेकर श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध वहां से लेकर और 12वां पाठ है महात्मा गांधी, तो 12 गो पाठ पढ़ोगे गद्यखंड में। और गुरु नानक से लेकर राम नाम बिनु बिरथे जगि जन्मा, जो नर में दुख नहीं माने, 1 नंबर पाठ से लेकर 12 रेनर मारिए रिलके, 12 गो पाठ पढ़ेगा काव्यखंड, जिसे हम पदखंड के नाम से जानते हैं। तो 12 गो कितना होगा, 24 गो खंड। और 24 गो खंड जो है, 24 गो पाठ आप देख रहे हो, इन सभी 24 गो पाठ को हम बारीकी से पढ़ने वाले हैं। एक एक वीडियो में एक एक पाठ को हम कवर करने वाले हैं। इस प्रत्येक पाठ को एकदम आराम से हले हले लाहे लाहे आराम से पढ़ेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, हर एक क्वेश्चन का, समस्याओं का समाधान किया जाएगा, किसी प्रकार की इशू नहीं होगा। वर्णिका में बात करोगे तो वर्णिका आपका दूसरा किताब होता है, गोधूली पहला किताब होता है, वर्णिका दूसरा किताब। तो वर्णिका में आपको 5 गो पाठ पढ़ना पड़ता है, दही वाले मांगमा धरते विश्वास माघ नगर धरती कब तक घूमेगी, ये 5 गो पाठ पढ़ोगे तो वर्णिका हो जाता है खत्म। वर्णिका पाठ यदि आराम से यदि एक दिन भर समय दे देते हो तो वर्णिका खत्म हो जाता है, बहुत छोटा सा पुस्तक होता है। वहीं व्याकरण की बात करोगे तो व्याकरण में पोर्शन ज्यादा होता है, 22 गो खंड पढ़ना पड़ता है, 22 गो खंड पढ़ोगे तब जाकर व्याकरण कंप्लीट होता है। और 22 गो खंड कौन कौन पढ़ोगे, अब आ जाओ सीधे यहाँ। और व्याकरण में कौन कौन से पोर्शन होता है यहाँ आप नाम देख सकते हैं, और इस व्याकरण के सिलेबस को आप लिख लो, कॉपी में लिख लोगे तो फायदा ये होगा कि आप बहुत इजी तरीकों से आप उस स्ट्रेटजी को अपना कर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें वर्णमाला क ख अ आ ई सब पढ़ना पड़ता है, संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो सर्वनाम विशेषण कारक शब्द, शब्द में 4 प्रकार के पढ़ना पड़ता है, देशज विदेशज तत्सम तद्भव लिंग निर्णय काल संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची शब्द विलोम मुहावरा लोकोक्तियां अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही पढ़ना पड़ेगा, वाक्य अशुद्धि वाक्य और पदबंध
लास्ट में क्या पढ़ोगे, पत्र कैसे लिखा जाता है और निबंध कैसे लिखा जाता है। निबंध और निबंध और पत्र के दूसरा भाग में ये भी पूछता है संवाद कैसे लिखा जाता है, संवाद। तो ये तीन को टॉपिक और जोड़ लेना, 22 को 3 को कितना और 25 को, ये 25 को टॉपिक पढ़ेगा तब जाकर आपका व्याकरण हुआ खत्म, ठीक ना। इसके बाद हम पैटर्न की बात करते हैं। पैटर्न की बात करें तो पैटर्न आपका पैटर्न 2025 में दुगुना क्वेश्चन पूछता है। 100 नंबर के हिंदी पूछा जाए तो 100 कितना होगा, 200 नंबर के हिंदी पूछा जाएगा। तो आपको पता होनी चाहिए 50 नंबर की यदि ऑब्जेक्टिव आएगा तो 50 नंबर में 25 नंबर के केवल व्याकरण से ऑब्जेक्टिव आएगा, 20 नंबर में केवल गोधूली से ऑब्जेक्टिव आएगा, अवर्णिका में 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। एक और बात, ये 2-4 नंबर इधर उधर होता रहता है, ये रट मत लेना कि गोधूली से 20 नंबर नहीं, आप ऐसा मत करना। वो सेटर वाले के ऊपर निर्भर करता है, कभी 18 नंबर पूछेगा, कभी 22, कभी 15 पूछ सकता है, कभी 25 पूछ सकता है, कभी वर्णिका में ज्यादा पूछेगा तो व्याकरण में कम, कभी व्याकरण में पूछेगा तो वर्णिका में कम। ये 2-4 नंबर इधर उधर होता रहता है, मोटा मोटी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और 50 नंबर के सब्जेक्टिव। और 50 नंबर के सब्जेक्टिव में कौन कौन आएगा, अपठित गद्यांश मतलब खोज के लिखने वाला, खोज के लिखने वाले की भूमिका ज्यादा होता है, 20 नंबर में आता है खोज के लिखने वाला। 4 को क्वेश्चन देगा, 4 में से कौन दो को बनाओगे 20 नंबर में, अभी बताते हैं। वो भी निबंध एगो 5 को पूछेगा, एगो बनाओगे निबंध, एगो अपठित खोज के लिखने वाला पूछेगा, निबंध पूछेगा, पत्र या संवाद दोनों अथवा करके रहता है, दोनों में से कोई एक ही आप बनाओगे। अगर आपको पत्र लिखना आता है, आवेदन या पत्र, पत्र अपने संबंधी के पास लिखा जाता है और आवेदन लिखेगा ना तो कहीं अधिकारी के पास या फिर कहीं ऑफिसर के पास या फिर यूं कहो कि स्कूल में आवेदन लिखा जाता है, पत्र अपने अपने सगे संबंधियों में लिखा जाता है। पत्र जैसे अपने उनके पास लिखना हुआ हो, बड़े हो उनके पास लिखो तो लेटर लिखोगे, और संवाद लेटर और एप्लीकेशन। आवेदन किसके पास लिखा जाता है, प्रधानाध्यापक के पास, ऑफिसर के पास, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर के पास, और आवेदन लिखा जाता है। पत्र में आवेदन में यही अंतर होता है। संवाद दो व्यक्तियों के बीच बातचीत कैसे होता है, वो भी 5 नंबर में आता है। तो दोनों में से कोई एक ही बनाना होगा, अथवा करके आता है 5 नंबर में। गोधूली और वर्णिका में देखोगे तो गोधूली और वर्णिका दोनों मिलाकर लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न दो क्वेश्चन आता है। लघु अलग रहेगा, दीर्घ अलग रहेगा, और कितना नंबर रहेगा वो देखो। अपठित गद्यांश में 20 नंबर आता है, पहला एक क्वेश्चन नंबर एक में जो क नंबर रहेगा एगो ख नंबर रहेगा, तो दोनों में से कोई एक बनाओगे। दोनों 10-10 नंबर होगा, दोनों में से कोई एक बनाओगे। फिर से क्वेश्चन नंबर दो में क और ख रहेगा, दोनों में से कोई एक बनाओगे, तो इसमें से कोई एक बनाओगे और इसमें से कोई एक बनाओगे तो एगो एगो दोनों गो हो जाएगा। 10 नंबर के 10 नंबर 20 नंबर पूछेगा, 4 गो अब बनाना है, कोई दो को इसमें से कोई एगो और इसमें से कोई एगो, 20 नंबर के हुआ। निबंध देखेगा 10 नंबर में कोई 10 नंबर में आता है, 5 गो 5 में से कौन एगो बना देना होता है। पत्र या संवाद 5 नंबर में आता है, पत्र लिखो या फिर संवाद लिखो, दोनों में से कोई एक लिखोगे। लघु प्रश्न देखोगे तो 10 गो रहेगा, वर्णिका और गोधूली दोनों मिलाकर लघु प्रश्न कितना रहेगा, 10 गो, 10 में से 5 गो बनाओगे। और दीर्घ प्रश्न रहेगा, दीर्घ प्रश्न एक एगो बनाना होगा, 5 नंबर में दो में से एगो बनाओगे, एगो दोहा दे देता है, एगो सारांश दे देता है, दोनों में से कोई एक बनाना पड़ता है। तो ये आपका हुआ पैटर्न। अब आज के बाद एक एक वीडियो हम डालेंगे, एक एक वीडियो जब जब मौका मिलेगा आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करते रहना, और एक पैटर्न जो एग्जाम पैटर्न आपको हम बताए हैं इस पैटर्न के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि आप कैसे 95% से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं हिंदी में, इसके लिए रणनीति अपनाना होगा। कैसे अपनाओगे, हम जैसे जैसे वीडियो में बोलते जाएंगे, सुनाते जाएंगे, कहानी कहेंगे, कहानी के जरिए आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हो, लेकिन बारीकी से वीडियो को देखना पड़ेगा और कॉपी कलम लेकर लिखना भी पड़ेगा। एक बार क्या करो, एक बार वीडियो को सुन लेते हो ना तो प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो मुंहजबानी दे दोगे, ऐसा मतलब पढ़ाने का आइडिया अपनाया जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले चैप्टर में। श्रम विभाजन जाति प्रथा हम शुरू करते हैं, वहां से पहला चैप्टर गोधूली चैप्टर 1 रहेगा, और वहां से आप वीडियो देखना शुरू करना और फिर भी बनाते रहना। ओके, थैंक यू।